ये उस वक्त की बात है जब लॉ एग्जाम में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से एक नौजवान को आगे के तमाम रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, लेकिन समय के साथ किस्मत ने पलटा खाया और वही नौजवान हिंदी फिल्म जगत का पहला सुपरस्टार बना, एक आइकॉनिक शख्सियत के रूप में मशहूर हुआ और ना जाने कितने लोगों को सफलता की राह दिखाई। ये नौजवान थे मशहूर अभिनेता अशोक कुमार। 13 अक्टूबर 1911 में भागलपुर में जन्मे अशोक कुमार का असली नाम था कुमुदलाल गांगुली। इनके पिता कुंजलाल गांगुली एक वकील थे, लिहाजा कुमुदलाल को वकालत की पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजा गया, लेकिन कानून की पढ़ाई उन्हें रास नहीं आई। वो परीक्षा में फेल हो गए। वो जान गए कि वकालत उनके लिए नहीं है। ऐसे में एकमात्र सहारा उन्हें नजर आया, वो थी उनकी छोटी बहन सती देवी, जो अपने पति शशधर मुखर्जी के साथ मुंबई में थी। अशोक कुमार सीधे उन्हीं के पास पहुँचे। शशधर मुखर्जी उन दिनों टेक्नीशियन के रूप में बॉम्बे टॉकीज में काम कर रहे थे। कुमुदलाल के कहने पर शशधर मुखर्जी ने उन्हें लैब असिस्टेंट की नौकरी दिलवा दी। कुमुदलाल की परेशानी दूर हो गई। अपनी अच्छी तनख्वाह और काम में संतुष्टि से खुश कुमुदलाल ने अपने पिता को भी कन्विंस कर लिया कि उन्हें अपना मनपसंद काम मिल गया है, जिसमें उन्हें पर्याप्त पैसे भी मिल रहे हैं। लेकिन फिर किस्मत एक बार और पलटी। साल 1936 में बॉम्बे टॉकीज में फिल्म जीवन नैया की शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो नजमुल हसन के अचानक चले जाने से हड़कंप मच गई। ऐसे में स्टूडियो के मालिक हिमांशु रॉय की नज़र लैब असिस्टेंट कुमुदलाल पर पड़ी। फिल्म जीवन नैया में नायिका देविका रानी के साथ उन्हें लीड रोल में साइन कर लिया गया और नाम दिया गया अशोक कुमार। हालांकि अशोक कुमार की अभिनय में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन देविका रानी के साथ आई अगली फिल्म अछूत कन्या जबरदस्त हिट हुई। इसके बाद देविका रानी के साथ 1936 में जन्मभूमि, 1937 में फिल्म इज्जत और फिल्म सावित्री, 1938 में फिल्म निर्मला और वचन जैसी सफल फिल्में आईं। उन्होंने लीला चिटनिस के साथ भी कई हिट फिल्में की। 1939 में आई फिल्म कंगन, 1940 में आई दो फिल्में बंधन और आजा। अशोक कुमार की बढ़ती लोकप्रियता में इजाफा हुआ फिल्म झूला से। लीला चिटनिस के साथ 1941 में आई इस फिल्म से वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक रिलायबल स्टार बन गए, जिनके नाम पर दर्शक फिल्में देखने आते थे। 1943 में फिल्म किस्मत ने एक और रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म से अशोक कुमार के रूप में हिंदी सिनेमा को मिला पहला एंटी हीरो और फर्स्ट सुपरस्टार। इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया। अशोक कुमार की लोकप्रियता का आलम यह था कि सड़क पर उनके निकलते ही ट्रैफिक जाम हो जाता था, जो बाद में पुलिस के आने पर ही क्लियर होता था। 1950 से अशोक कुमार के अभिनय के अलग अंदाज देखने को मिले। इस दौरान नलिनी जयवंत के साथ उनकी सबसे ज्यादा फिल्में आईं। अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ 50 से 70 के दशक में उन्होंने लगभग 17 फिल्मों में काम किया। हीरो के रूप में अशोक कुमार का क्रेज आसमान छू चुका था, लेकिन अभी बुलंदियों का एक और क्षितिज उनके इंतजार में था। 60 से 70 के दशक में उनकी फिल्मों में अलग अलग किरदारों के शेड्स देखने को मिले, आज भी याद किए जाते हैं। 1960 में आई फिल्म कानून के जज बद्री प्रसाद, 1963 की फिल्म बंदिनी के स्वतंत्रता सेनानी विकास घोष, 1964 की फिल्म चित्रलेखा के योगी कुमार गिरी याद रह गई, 1967 की फिल्म ज्वेल थीफ के सफेद पोश गैंग लीडर अर्जुन सिंह की धूर्तता, 1971 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 के अच्छे दिलवाले ठग राजा की उदारता, 1970 में आई फिल्म जवाब के दुष्ट जमींदार उमा शंकर से जितनी विरक्ति होती है उतने ही स्नेहमय लगते हैं, 1968 की फिल्म आशीर्वाद के जमींदार राजा ठाकुर। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। पूरा पश्चिम पाकिजा मिली खूबसूरत जितनी फिल्में उतने किरदार और उतना ही प्यार और सम्मान मिलता रहा दादा मुनि को। 1980 में वो टेलीविजन धारावाहिक हम लोग में सूत्रधार के रूप में नजर आए। इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर बहादुर शाह जफर की यादगार भूमिका निभाई। अनेक फिल्मी हस्तियों के करियर में दादा मुनि का खास योगदान रहा। फिल्म जिद्दी में उन्होंने देवानंद को पहला ब्रेक दिया और अभिनेता प्राण इसी फिल्म से एक स्थापित कलाकार बने। प्राण और दादा मुनि हमेशा अच्छे दोस्त रहे। 1949 में फिल्म महल में उन्होंने अभिनेत्री मधुबाला को बड़ा ब्रेक दिया और इसी फिल्म में एक गीत के साथ आदरणीय लता मंगेशकर की आवाज पर लोगों का ध्यान गया। वो गीत था आएगा आने वाला। बतौर निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को दादा मुनि ने पहला ब्रेक दिया और फिल्म अफसाना खासी पसंद की गई।
दादा मुनि होम्योपैथी के जानकार थे और कहा जाता है कि उनके इलाज से अनेक लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस में काफी फायदा हुआ। वे एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, लेकिन उनका ये पहलू भी बहुत कम लोगों को ही पता रहा। दादा मुनि अपने दोनों भाइयों अनूप कुमार और किशोर कुमार से बहुत स्नेह करते थे। उनकी आखिरी फिल्म आँखों में तुम हो 1997 में आई थी। 10 दिसंबर 2001 में फिल्म जगत के इस चमकते सितारे ने अपनी रोशनी समेट ली और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए अशोक कुमार हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।